भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। हर संगीत के पीछे साज होता है, हर बात के पीछे राज होता है। बिगड़ी तकदीर भी सवर जाती है जब सर पर गुरुओं का हाथ होता है। गुरुदेव का सर पर हाथ था और यहाँ उपस्थित सभी महाराज साहब का साथ था, इसलिए ये दो महीने कैसे पूरे हुए पता भी नहीं चला। सभी को मैं क्षमा याचना करता हूँ। सभी तपस्वियों की मैं श्री संघ की ओर से साता पूछता हूँ और मेरे परिवार के तरफ से मैं सभी की साता पूछता हूँ। अंत में सबकी क्षमा याचना करना चाहूँगा। वैसे तो पूरे साल में, खासकर इस दो महीने में, ऐसे कोई पल आए होंगे जहाँ मन से, वचन से, काया से मेरे द्वारा आप सभी का मन दुखाया हो, तो मेरे और मेरे परिवार की ओर से मैं आप सभी को खमत खामना करता हूँ। जय आनंद, जय महावीर, जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष, वाह भाई वाह मैडम। इसका मतलब विजय बाबू को बोलना तो आता है और बहुत प्यारा स्पष्ट आवाज में बोला, बहुत अच्छा, अति उत्तम, और भावों की बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी। आज यहाँ इस सभा मंडप में आए हुए सब संतगण महाराज जी, यहाँ आए हुए में सब माता पिता, भाई और बहन, क्षमा यातना दिन में हमारे सब और चातुर्मास में शामिल हुए सब भाई और बहनों यहाँ आए हैं। आपने सबको यहाँ मार्गदर्शन महाराज जी ने किया है। महाराज साहब का मैं धन्यवाद मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से सबको अपने प्रवचन से प्रस्तावित किया। आज के ये क्षमा याचने दिन में सब लोग आए हैं कि हॉल नहीं तो नीचे वाला हॉल भी भरा है और सब लोग जानते हैं कि हमें हमारे इस साल में हमारे हाथ से कुछ गलती हुआ रहेगा, हमारे हाथ से कुछ किसी को गलत बात मुंह से गया रहेगा, तो हम क्षमा मांगता हूँ। ऐसा बोलने का ये दिन है। मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ, हम तो हमेशा सबके साथ सही रहता है, सभी के साथ भरे प्यार से रहते हैं, लेकिन अगर मेरे हाथ से, मेरे दिल से, मेरे जेब से कोई किसको शब्द भी निकला रहेगा और कोई तकलीफ हुआ रहेगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये प्रोग्राम के लिए जो आयोजन किया है वो सब आयोजक का मैं सबको आयोजक को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र। सबसे पहले ये जो चातुर्मास हो रहा था वो ऐतिहासिक बनाने के लिए जो महाराज साहब ने हमें प्रेरणा दी थी, पर्यावरण और बच्चों को जोड़ना है, उन्होंने दो ही बातें बोली थी कि हमें बच्चों को साथ में लाना है और पर्यावरण का ध्यान रखना है। चातुर्मास का कोई ऐतिहासिक पल सबसे बढ़िया होगा वह चोम की जाप, उसकी शुरुआत ही बहुत बढ़िया हुई थी। 300 लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर इतने बार डिस्टर्बेंस हुआ और इतनी हीवी बारिश आई, सबसे कम उपस्थिति उसी दिन हुई थी, 190 लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन पहले पारिवारिक जाप में 1000 लोग भी आए, तो सच में ऐसे ऐतिहासिक जाप हुआ ये चौमे की जाप, और उसके वजह से बहुत सारे परिवार जुड़ गए। स्पेशली जो हमने किड्स प्ले एरिया बनाया था कि बच्चों को स्थानक में लाने के लिए, सिर्फ यही प्रेरणा थी, बट मुझे खुशी इस बात की है बच्चों तो स्थानक में आ गए बट बच्चों ने अपने माँ बाप को भी स्थानक में लेके आए, ये बड़ी बात इस जाप के वजह से हुई। तो ये जो बहुत ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ ये सब साधु संतों की देन है। एक्चुअली उनके आशीर्वाद से, एक्चुअली साधु संतों के बारे में भी बोलना चाहता हूँ अभी, बट आज नहीं, विदाई के दिन बोलूँगा। इतना ही बोल के जय जेंद्र। हर्ष हर्ष, बहुत खरं तर आल्यानंतर पाहिलं की व्यासपीठावरच्या समोर आणि आज पार्किंगमध्ये देखील एवढीच तुडुंब गर्दी महाराजांना ऐकण्यासाठी आलेली आहे। अतिशय चांगल्या पद्धतीनं गुरूंनी मार्गदर्शन केलेलं आहे। मी आपणा सर्वांना चातुर्मासाच्या खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि कमिटीचं विशेष अभिनंदन करतो की एक महिन्यापूर्वी आपल्या ज्या पुण्यामध्ये आणि कोल्हापूरला जो पूर आला होता त्या पुरामध्ये आपल्या जैन स्थानक संघाच्या वतीनं अतिशय चांगली मदत आणि सहकार्य
सर्व बंधू भगिनींच्या माध्यमातून केलेला आहे. खरं तर साईनाथ नगर भाग असेल किंवा कळस भाग असेल इथं जेवणाची व्यवस्था आज जैन स्थानक संघाच्या वतीनं करण्यात आली. तसंच कोल्हापूर सांगलीला तो तर सर्वात मोठा महापौर होता, तिथं देखील अतिशय चांगलं सहकार्य आपण केलेलं आहे. त्यांचं मी वडगावशिरीतील सर्व नागरिकांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. मी अभिनंदन करून फार न बोलता चातुर्मासाच्या आपणा सर्वांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. आज एक बहुत ही पवित्र दिन है, क्षमा कर देने का दिन है आज का, क्योंकि साल भर में कभी ना कभी हमारे पास से गलती हो सकती है. कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है या हमारा बर्ताव थोड़ा सा गलत हो गया, तो उसके वजह से हमारे फैमिली में या दोस्तों में या किसी का भी मन दुखाया है. लेकिन ऐसा हो गया होगा तो आज के दिन जिसका मन दुख गया है उसको क्षमापना मांगने से वो भी क्षमा देता है. ऐसा पवित्र दिन आज है. आज मैं आप सबसे मिच्छामि दुग्गडम कहना चाहता हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ कि जैन स्थानक से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है. मैंने कई बार कहा है कि स्थानक में ही मैंने इसी स्थानक में सीखा है कि हमारे प्लेट में कोई भी अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए. शाकाहारी मैं पहले से हुआ, भी आज के दिन मुझे यहाँ पर बुलाया. मैं सभी आयोजकों का शुक्रिया करता हूँ कि एक अच्छे प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका दिया. सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ. धन्यवाद. जय जिनेन्द्र. तो बस अब मैं आखिरी में अपने लिए बोल रहा हूं, प्रवचन के माध्यम से हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपके मन को चोट पहुंची हो. मेरा कोई भी व्यवहार, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि महाराज जी का दरवाजा बंद रहता है, कईयों को शिकायत भी हो सकती है, कईयों का बुरा भी लगता होगा, लेकिन मैं दरवाजा अगर अकेला हूं तो ही मैं अधिकांश बंद करता हूं, पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए, एकाग्रता के लिए. लेकिन अगर किसी ने मेरा दरवाजा खटखटा दिया तो मैं तुरंत खोलता हूं आप सभी को देखने के लिए. लेकिन फिर भी मेरे इस व्यवहार से आपके कोमल से दिल को अगर कहीं से भी चोट पहुंची हो तो मैं अपनी झोली फैलाकर आप सभी से माफी मांगता हूं. मेरा दिल आपका दिल दुखाने का नहीं है, लेकिन मैं बाहर बैठकर पढ़ नहीं सकता. मुझे उसके लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए. और मैं इतना सुनाता हूं आप लोगों को, वहां बैठ करके चिंतन करता हूंगा तभी तो सुनाता हूंगा. मैं ये चाहता हूं मेरी डायलॉग डिलीवरी में, किसी भी विषय की प्रस्तुति में प्रमाणिकता भी होनी चाहिए, तेजस्विता भी होनी चाहिए और एक सुंदर संदेश भी होना चाहिए. तो उसके लिए मुझे कभी एकांत की आवश्यकता पड़ती है. मेरे चारों संतों की ओर से या मेरी साध्वी परिवार की ओर से, वैसे वो सबको टाइम देती है, लेकिन फिर भी बहनों को कोई भी शिकायत रही हो उससे, मैं इन सभी की ओर से हार्दिक क्षमा याचना करता हूं. माफ कर दोगे ना? बुरा तो नहीं मानोगे ना? अगर दिल में कोई मलाल आया हो उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूं. बहुत अच्छा. अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो, अभी तो 70 दिन के बाद विदाई भी तो बाकी है, कोई कमी रह जाएगी तो उस दिन पूरा करेंगे. यानी आज पहला चैप्टर क्लोज.